तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे श्रमिक कार्ड यानी मजदूर कार्ड क्या है और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों इसके बनवाने के फ़ायदे क्या हैं आपको बता दें कि श्रमिक कार्ड जो है उसके अंतर्गत 16 योजनाएँ आती है, जैसे कि कन्या विवाह आवास योजना, शौचालय योजना, चिकित्सा योजना, ऐसी 16 योजना इसके अंतर्गत आती है। 1 लाख रुपए तक का लाभ इसके अंतर्गत लिया जाता है दोस्तों। और कैसे लिया जाता है इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि आप भी अपने मोबाइल से घर बैठे ही पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, ताकि आप भी घर बैठे ही अपनी मोबाइल से पूरी जानकारी ले सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने यह वीडियो लाइक नहीं कराया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। दोस्तों हम चलते हैं आपको लेके श्रमिक कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। आप देख सकते हैं दोस्तों जो श्रमिक कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे खुल चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश भवन। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, उत्तर प्रदेश भवन अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समस्त योजनाएँ हैं वह यहाँ पे शो हो रही है, दिख रही है, देख सकते हैं यहाँ पे समस्त योजनाएं। तो यहाँ पे जो आपकी जो 16 योजनाएं वह आपको यहाँ पे नज़र आएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, पहले दोस्तों आपको 16 योजनाओं के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। दोस्तों यहाँ पे 16 योजनाएँ दी गई है, और जो फर्स्ट नंबर पर है पहली योजना यानी कि यहाँ पर लिखा गया है मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, उसकी जो पात्रता आप यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट नंबर पे ही 1 नंबर पे मातृत्व एवं शिशु योजना की का हित लाभ श्रमिक के प्रथम यानी के जो लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में केवल 2 ही बच्चे होने चाहिए तभी इसका लाभ ले सकते हैं आप। नंबर 2 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है मातृत्व हित लाभ महिला श्रमिक की 10 साल के संस्थागत प्रसव होना चाहिए। और नंबर 3 पे आप देख सकते हैं बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान हो और दूसरी भी संतान जो है वह कन्या ही होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई कन्या संतान नहीं है, निसंतान है, तो अगर आप किसी लड़की को गोद लेते हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको उसकी जो आवश्यक अभिलेख है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया गया है अद्यतन पंजीयन, और नंबर 2 पे आप देख सकते हैं राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव गर्भपात नसबंदी होने की जो प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वैधानिक गोदनामा यानी कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो आपके पास का गोदनामा होना चाहिए। या आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा गया है पारिवारिक रजिस्टर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप नीचे जो पैसे की प्रक्रिया है यहाँ पे पैसे की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। फर्स्ट नंबर पर है आप देख सकते हैं मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। नंबर 2 पे महिला कामगार यानी कि जो महिला कार्य करती है इसके संस्था के अंतर्गत तो उसे 3 माह के न्यूनतम वेतन की समतुल्य धनराशि यानी कि 1,000 रुपये का बोनस यहाँ पे दिया जाएगा। नंबर 3 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह के समतुल्य नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन उसको मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शिशु के पुत्र होने के यानी कि शिशु के पुत्र होने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो शिशु की पुत्री होती है तो उसे 25,000 रुपये की धनराशि यहाँ पे योजना के अंतर्गत दी जाएगी। नंबर 5 पे आप देख सकते हैं नंबर 5 पे बताया गया है दोस्तों कि परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान बालिका होने की दशा में 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो आप देख सकते हैं जन्म से जो दिव्यांग हैं उसे 50,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी हमारी पहली योजना, हम दूसरी योजना के बारे में आपको बता देते हैं। तो आपको दूसरी योजना पे यहाँ पे देख सकते संत रविदास शिक्षा सहायता योजना आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा इंटरफेस निकल कर आ जाता है जो उसकी पात्रता है। आप पहले आप पात्रता देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 पात्रता दी गई है। फर्स्ट पात्रता में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना के उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। अगर आपके पास 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बालक हो या बालिका हो, प्रारंभ से उस शिक्षा के छात्रवृत्ति के रूप में पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वे उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हों और उत्तर प्रदेश में ही रहते हो तभी उसका लाभ ले सकते हैं। आप नीचे देखेंगे इसका अभिलेख, जो इनके अभिलेख है यहाँ पे दिए गए हैं, जो दस्तावेज है जो आपके पास होने चाहिए यहाँ पर उनके भी बारे में बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अद्यतन पंजीकरण होने का प्रमाण आपके पास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का वह निवासी होना चाहिए, मूल निवास आपके पास होना चाहिए, और बालिका
और बालिका के आयु जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। बालक या बालिका के वेतन कक्षा में यहाँ देखें न्यूनतम 50% उपाधि संबंधित शिक्षा संस्था के अंदराचार्य प्रधानाचार्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 5 पे आप देखेंगे दोस्तों पॉलिटेक्निक ITI इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों संबंधित यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश कार्ड, यानी कि जब आप प्रवेश कार्ड है फीस शुल्क यानी कि फीस जमा करते हैं उसकी भी रसीद आपके पास होनी चाहिए। आप नीचे देखेंगे नंबर 6 पे यहाँ पे लिखा गया है व्यवसाय पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय राज्य स्तर की प्रवेश शिक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने के संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आपका आधार कार्ड और पासबुक बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप जो धनराशि की देह है यानी कि धनराशि की प्रक्रिया है आपको अभी यहाँ पे दिखाई देगी। केवल आपके परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। पहली कक्षा में आपको 150 रुपये और 6ठी कक्षा या 10वीं से कम आपको 200 रुपये और 11वीं 12वीं के अंतर्गत आपको 250 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ITI कर रहे हैं फिर सक्षम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों 1000 रुपये 2000 रुपये 800 रुपये 12000 रुपये यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों हम आपको मेन जानकारी के यानी कि योजना के बारे में आपको बता देते हैं। अगर हम आपको पूरी योजनाओं के बारे में बताएंगे 16 के 16 योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों आप भी अपने फ़ोन से देख सकते हैं कि पूरी जानकारी हम आपको जो मेन योजना है वह आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कन्या विवाह अनुदान योजना यहाँ पे यह आपको बता देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे आवश्यक अभिलेख है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। नंबर 1 पे कहा गया है पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और अद्यतन जमा अनुदान सक्षम। नंबर 3 पर आप देख सकते हैं विवाह का प्रमाणित निमंत्रण पत्र आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे कन्या एवं वर का आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए। परिवार रजिस्टर प्रति आपके पास होनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों जो पैसे की प्रक्रिया है कैसे दी जाएगा वह भी यहाँ पे दिखाया गया है। 3 यहाँ पे प्रक्रिया आपको नज़र आएंगी। 1st नंबर पे जो प्रक्रिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजीकृत श्रमिक विवाह अविवाहित पुत्री हो आपकी और यहाँ पे 55000 रुपये उससे दिए जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप अनजाते विवाह की स्थिति में है तो आपको 61000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। नंबर 2 पे लिखा गया है यहाँ पे कि कम से कम 11 जोड़े विवाह की दशा में अनुदान राशि 65000 रुपये प्रति जोड़े को 7000 रुपये आयोजन व्यवय की बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं साथ ही वर वधु के पोशाक यानी कि आपके पोशाकों के लिए कपड़ों के लिए वस्त्रों के लिए यहाँ पे 5000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों नंबर 3 पे आप देखेंगे विधवा विवाह एवं वैधानिक विवाह विच्छेद के प्रकरणों में सामूहिक विवाह में समतुल्य राशि दे होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ यहाँ पे बताया गया है। अब हम आपको यहाँ पे तीसरी योजना के बारे में बता देते हैं। जो तीसरी योजना यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आवास सहायता योजना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे सो हो जाएगी दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका आवश्यक अभिलेख है यहाँ पे दिखाया गया है। आवेदन पत्र 3 प्रतियों में यहाँ पे आपको पैसा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है अद्यतन पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदन का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जहाँ पे रहता है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। आपके पास जमीन होनी चाहिए तभी आपको यह आवास योजना का पैसा आपको दिया जाएगा। किसी भी अन्य योजना में आवासीय सुविधा का लाभ न लिया हो यानी कि किसी भी योजना के तहत आपको आवासीय यानी कि कोई भी मकानों के तहत आवासीय योजना के तहत कोई लाभ न मिला हो तभी आपको यह सुविधा दी जाएगी। आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। अभी पैसे की क्या प्रक्रिया है आप भी वे भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों 1st नंबर पे जो बताया गया है यहाँ पे लिखा गया है इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मकान मानकों के पूर्ण करने पर नया आवास बनाने अथवा कार्य करने हेतु 1,00,000 रुपये की धनराशि यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप मकान की मरम्मत करना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यह यहाँ पे जो नियम बताए गए हैं अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तभी आपको 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है दोस्तों एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम आपको नेक्स्ट योजना के बारे में बता देते हैं। जो नेक्स्ट योजना है दोस्तों शौचालय है यहाँ पे शौचालय सहायता योजना। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के उपरांत दोस्तों आपके सामने इसकी भी बायोडाटा आपके सामने निकल कर आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी बायोडाटा इसके
यहाँ पे निकल कर आ गई है। इसकी पात्रता क्या है यहाँ पे आप देख सकते कौन कौन इसे प्राप्त कर सकता है। अद्यतन पंजीकरण श्रमिक यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर दो पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसी पंजीकरण निर्माण श्रमिक जिनके अपने आवास हैं किंतु उनमें शौचालय की सुविधा नहीं है और उन्हें उसे किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार की लाभार्थी प्राप्त न हुई, यानी कि कोई भी योजना के अंतर्गत उसे लाभ प्राप्त ना हुआ हो, एक परिवार में एक इकाई के रूप में लिया जाएगा, यानी कि एक परिवार में केवल एक ही शौचालय आपको दिया जाएगा। नंबर चार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है लाभार्थी के पास आधार पंजीयन एवं राष्ट्रीयकृत यानी कि CBS बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट होना चाहिए तभी आपको यह योजना दी जाएगी। पैसे की प्रक्रिया क्या है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पैसे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। नंबर एक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर एक पे बताया गया है कि आवेदन करने पर उसे 12,000 रुपये दो सामान्य किस्तों में आपको यह पैसा दिया जाएगा। पहली किस्त में 6,000 रुपये और दूसरी किस्त जो दी जाएगी आपको, दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण यानी कि शौचालय बनने के उपरांत ही यहाँ पे देख सकते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से आपको प्राप्त कर दी जाएगी। नंबर दो पे आप देख सकते हैं श्रमिकों का चयन जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा पंजीकरण श्रमिकों की सूची में से बेसलाइन सर्वे से मिलान करने के उपरांत आपको दिया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो भुगतान करता है वह आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उनकी यहाँ पे दर्शाया गया है बताया गया है बैंक में जो है जिला पंचायत राज्य अधिकार द्वारा ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप नेक्स्ट योजना पे देख सकते हैं जो चिकित्सा सुविधा यहाँ पे दी गई है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका पूरा डाटा यहाँ पर शो हो जाता है। तो दोस्तों अभी उसकी पात्रता है आप यहाँ पर पात्रता देख सकते हैं। नंबर एक पर आप देख सकते हैं निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अध्ययन अंशदान जमा हो। दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे उसका जो आवश्यक अभिलेख है वह नज़र आ जाएंगे। नंबर एक पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजीयन प्रमाण पत्र प्रति आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं जो अंशदान आधार कार्ड बैंक की पासबुक आपके पास होना चाहिए तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और जो पैसे की प्रक्रिया है वह भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी आप देख सकते हैं। नंबर एक पर बताया गया है योजना के अंतर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष 3,000 रुपये और अविवाहित निर्माण श्रमिकों को 2,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो दोस्तों आप भी ऐसे अपने मोबाइल से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे वेबसाइट दी गई है जो आपको शो हो रही होगी upbocw.in। आपको गूगल ब्राउज़र पे जाके टाइप कर देना है और सर्च कर देना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत से जानकारी लाते हैं तो प्लीज़ हमारी YouTube वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका कैसे आवेदन कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से अच्छी जानकारी के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, घर रहिए सुरक्षित रहिए।